अच्छा, ये हम तीनों आए हैं ASL ग्राउंड से थोड़ा ऊपर कोल्डना पहाड़ी, और काफ़ी अच्छा स्पॉट था हमारा। इधर बैठे थे हम, सामने पत्थर था। ये मुबशर, कामरान, मलिक, रियाज, फ्यूचर फ्यूचर के। रात को इसने हमसे मनोपली में कितनी प्रॉपर्टी बनाई, कितनी बनाई थी इस भाई जी, सारी महल ही आई। वो हमने उधर कहीं नीचे जाना है, माफिया ग्रुप, माफिया ग्रुप अद्धे तो ज्यादा प्रॉपर्टी था डिटी। ओहो, बड़ा नीचे उतरना, और ये बड़ा स्टीप पत्थर है। मेरे पान ठंडा पे, हां दुबई, उई। और एक तो मुझे इन्होंने व्लॉगिंग पे लगा दिया, और बड़ी स्टीप पहाड़ी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैमरा देखूं या नीचे उतरूं। ये लो। अरे यार, उतरना आसान है, चढ़ना मुश्किल था। हैं? इजी है, इजी है। आगे भागे जा रहे हैं, इजी है, इजी है, औखा मेरे लिए। यार सेल्फी स्टिक ही ले ली होती गरीबों। वो स्टोन था जिधर हम बैठे हुए थे, और अब हम नीचे जा रहे हैं। बच गए भाई, आहिस्ता, मुझे पीछे छोड़ के निकले जा रहे हो। ओ नीचे बच्चे, आप लोगों को शायद नजर आ रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं नजर आ रहे, हाँ नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और ये हम शॉर्टकट मार्किंग के पास पहुंच, शॉर्टकट तो नहीं लेकिन पहुंच गए। हाँ, वो पत्थर था हमारा, इस पत्थर के ऊपर हम बैठे हुए थे। बड़ा प्यारा व्यू था, सामने दरख्त थे, पीछे दरख्त थे, हर तरफ दरख्त थे, ना आसमान नजर आ रहा था ना कुछ। वैसे बड़ी अच्छी जगह, लोकेशन में नेचर लवर्स के लिए, स्पेशली जो लोग माल रोड के रश से और ऐसी जगहों से तंग होते हैं, मुझ जैसे लोग, मुझ जैसे लोग जो माल रोड और कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट पे जाना पसंद नहीं करते, आवाम से तंग होते हैं और नेचर लविंग हैं, अकेली जगह पे सुकून चिल करना चाहते हैं, वो आ जाएं। ये जी ASL ग्राउंड है कुल्डना पहाड़ी पे, बड़ा दूर है, कोई यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है लायक, कोई दुकान शुकान नहीं है, खाने पीने का अपना बंदोबस्त, और अगर कोई बारबेक्यू करना चाहे तो भाई बारबेक्यू करना है ना, बड़ा सेफ होके करना है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे ना देखें आप, ये चीज़ गिरी हुई है सूखी, अगर आपने आग लगा दी तो फिर पूरी पहाड़ी पे आग ही लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हैं मैं समझ, इन ट्रीज को पाइन ट्री कहा जाता है, और इनके पत्ते गिरे हुए हैं और सूखे हैं, तो आपने अगर यहाँ पे आग लगानी है, और उसके बाद अगर आप आग लगाने के बाद जब फ्री हो जाते हैं अपने बारबेक्यू से, तो अच्छी तरह आग को बुझाना है, ऊपर पानी शानी डालना है, कोई कोयला जलता ना रह जाए, कोई आग का सार ना रहे, नहीं तो इधर आग लग गई तो दूर दूर तक कोई फैसिलिटी नहीं है आग बुझाने के लिए, और बड़ा नेचर का नुकसान कर देंगे आप। सो बी केयरफुल, और सिगरेट नहीं पीनी यार, नेचर एंजॉय करो, सिगरेट की जान छोड़ो। इधर अक्सर लोग सिगरेट फेंक देते हैं, फिर पूरी पूरी पहाड़ियों पर आग लगी हुई होती है। अच्छा, अब मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूँ। ये जी हम पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट ग्राउंड के पास, वो नीचे बच्चे खेल रहे हैं। बड़ा प्यारा ग्राउंड है यार, जिसने भी यहाँ पे ना आके क्रिकेट श्रिकेट खेलनी हो, फैमिली ट्रिप पे अगर कोई आ रहा है, फैमिली टूर पे, बच्चे हैं, क्रिकेट श्रिकेट वाले सीन करने हैं, तो ये बड़ा प्यारा ग्राउंड है। फिर बता रहा हूँ, ASL ट्रेनिंग ग्राउंड इसका नाम है, क्रिकेट ग्राउंड है, बीच में एक पिच बनी हुई है, और यहाँ पे आप क्रिकेट श्रिकेट अपने बच्चों के साथ खेल सकते हो, या दोस्त भी आ सकते हैं, दोस्त कॉलेज टूर या कुछ भी। अगेन शॉर्ट रनिंग, ये ग्राउंड है। ब्रेक लगाओ यार, और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर ब्रेक लगाओ, इधर इनको
अच्छा भाई, इस ग्राउंड की हिस्ट्री ये है, यहाँ पे ना अंग्रेजों के दौर में जब आर्मी की सप्लाई जाया करती थी ना, कौन सा था ये लिखा हुआ, तो नहीं पढ़ा जा रहा है, नहीं, प्रिंस ऑफ वेल्स यॉर्कशायर रेजिमेंट, ठीक है, 1907 to 1910, बस इतने साल, तीन साल। तब यहाँ पे आके इस ग्राउंड के अंदर अंग्रेज अपनी घोड़े खच्चर जो भी होते थे उनके पास, उनको यहाँ पे रोकते थे, रेस्ट करते थे और फिर आगे नॉर्दर्न एरियाज में जाती थी सप्लाई। आई डोंट नो ये क्या बना रहा है, यहाँ बैठ के आप बारबेक्यू भी कर सकते हो, उसके बाद जो भी करने करो, बारिश हो बर्फबारी हो बीच में बैठ जाओ। इसका नाम है ASL ग्राउंड, अच्छी जगह है फैमिलीज के लिए, टूर्स के लिए। यहाँ पे आप पिच बनी हुई है, पिच पे खेल सकते हैं गेम, क्रिकेट, फ्रिस्बी, पकड़न पकड़ाई, सेब सेब, हम बचपन में खेला करते, सेब सेब के लिए स्टेज भी है। क्या है उधर वहाँ पे सारा लिखोगे, कौन कौन सी रेजिमेंट जो भी किस किस ईयर में यहाँ पे आई है, सारा कुछ वहाँ पे लिखोगे। अच्छा, वो भी एक सौ है भाई, यहाँ पे जो जो आया ना, चलते यहाँ जो जो आया ना, वो उसने अपना निशान छोड़ा है, हमने भी छोड़ना है, हम भी आए हैं। बचपन में मैं इसको पाइनएप्पल समझता था, लगता था पाइनएप्पल, मैंने कभी मियावाली में पाइनएप्पल खाया ही नहीं था, होते ही नहीं थे, और मुझे पता था। बटन लगा हुआ, जल्दी पे वीडियो, जल्दी पे। ओके जी, ये क्या, आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, हाय हाय, कुलडना थ्रू एजेस। भाई कामरान साहब कह रहे हैं मैंने वीडियो में बोला है कि सिगरेट नहीं पीनी और खुद हाथ में वेप उठाया है, ये भाई एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ठीक है, कोई आग शाग नहीं लगती इसे, जितना पीना है पियो, नॉट फॉर किड्स ऑब्वियसली। बाकी कामरान भाई ने अपनी माशाल्लाह एजेंसी खोली हुई, इम्पोर्ट कराते हैं वेप, और मुझे कह रहे हैं कि आप खुद पी रहे हो और लोगों को कह रहे हो, मतलब वाह यार कामरान साहब वाह। अच्छा भाई, हम सोन पे आ गए हैं, ये भाई स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, एक और निशान है स्टोन, एक उधर था फिर एक आगे था, एक ये है, इस पे लिखा हुआ है जी 11 अप्रैल 2014 में इन्होंने इनको, फिर याद आया होगा आर्मी वालों को, एक और निशान छोड़ते हैं यहाँ पे इन्होंने, फिर एक और स्टैम्प पत्थर के अंदर लगाई, ये कार्विंग हुई हुई है पत्थर के अंदर। ओके जी, और हमारे कामरान साहब बड़े दूर निकल गए, अल्लाह जाने क्या करना चाह रहे हैं। हमें पीछे व्यू बड़ा प्यारा लग रहा था, मैंने वो शेर को कहा रुको, लेकिन मेरी तस्वीर बना नहीं रहा तो मैंने वीडियो, शर्मा क्यों रहे हो भाई, हम कहाँ शर्माते हैं, हम कहाँ, हम इज्जत देने लग गए, अभी तो मेरा यूट्यूब चैनल चला भी नहीं है, इज्जत आ रही है। वाह भाई, हमें इस ये ट्रिप एक्सक्लूसिवली बाली साहब ने स्पॉन्सर किया वो ये भी कुछ है, ये वैसे ही है पत्थर, हमें लगा अभी कोई तख्ती लगी हुई है, और चेक करते हैं कोई अंग्रेज अंग्रूज की बीच में ताबूती शबूती, ओ ये क्या लिखा था, ये भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पे भी किसी को जोश चढ़ा, ओह पैरों का निशान, खजाने का निशान, यहाँ पे लिखा हुआ है यॉर्कशायर, नीचे क्या लिखा था, मोनूमेंट। ओके जी, एरो भी बना हुआ है, मींस कि वो उस तरफ इंडिकेट कर रहा है, उस तरफ इंडिकेट कर रहा है, हमें समझा को खजाना होगा लेकिन नहीं है, वो देखो अलोन कैबिन इन द वुड्स मूवी भी है एक, इधर जिसने आके, वो हॉरर मूवी है यार वैसे, उसमें बंदा पीछे लग जाता है, कोई भी इधर आता है रात को उसके पीछे, तो और मुझे तो लग रहा है वॉशरूम्स है कैबिन इन द वुड्स, नहीं जेंट्स एंड फीमेल लिखा हुआ है, वॉशरूम्स है, चलो यार ये अच्छी बात है, इधर वॉशरूम्स हैं जिनको ताला लगा हुआ है, कोई दरवाजा तोड़ के घुस जाए किसी को ज्यादा इमरजेंसी है तो टिशू लेके जाइएगा, और टिशू अंदर ही लेके जाइएगा, इधर भाई बंदर भी होते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, बंदरों ने आपके टिशू बाहर से ले जाने, और आप फिर किस पे गुजारा करेंगे, ये है साथ सूडो क्रीम ले आना रैशेज के लिए। ओके, ये हमारे कामरान भाई, कामरान उल्फ बाली, चलिए बस थक गए आप, स्विट्जरलैंड में घूमने वाले लोगों में से हैं आप, इधर आपने थकना ही है, देखें कितने बड़े बड़े दरख्त हैं, पाइन ट्रीज, नहीं मजा आ रहा आपको, लुक एट द ब्यूटी, ओ यार ये सीन चेक करो,
पता नहीं कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना अच्छा हमें लग रहा है ऊपर तक ग्राउंड में, लगता है जैसे वॉल है ट्रीज की एक पूरी। सो भाई इधर हमारा व्लॉग एंड होता है, मेरे ख्याल 10 मिनट हो गया होगा, बहुत होते हैं 10 मिनट भाई, 10 मिनट के बाद बंदा बोर हो जाता है। वैसे भी ये ग्राउंड था ASL ट्रेनिंग ग्राउंड, कुलडना हिल्स के ऊपर है, और डू विजिट। क्या बोलते हैं एंड में हमारे चैनल को? मुझे क्यों देख रहे हैं, व्यूज की तरफ देखें। हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक भी और शेयर भी कीजिएगा, और भी कुछ रह गया फॉलो भी कर लीजिएगा, फॉलो का कमेंट्स और रह गया। बेल आइकन की घंटी नहीं, क्या होता है यार, क्या डायलॉग होता है, कमरान भाई बोलेंगे ये, बोल यार बोलिए ना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट जो हम नई जगहों में फिरते हैं आती रहे। हमारे पास हाइट नहीं थी भाई, हमने कौन सी जगह थी, ASL ग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड से आप हमारी शहर तक लेफ्ट लिया किसी से, ये भाई सामान लेके जा रहे थे और आप इसके साथ बैठ गए। यार मरी वाले बड़े कोऑपरेटिव हैं, इनके बारे में एक टैबू बना हुआ है कि जी यहाँ पे टूरिस्ट के साथ अच्छा सलूक नहीं होता है, कुछ होंगे गिने चुने बट ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस जो रहा है ना यहाँ पे बेस्ट, काफी कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, थोड़े बहुत बनते हैं क्योंकि इलाका ही ऐसा है यहाँ पे सप्लाई मुश्किल होती है, बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्जेस नहीं है यहाँ पे।